नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आपके साथ मानसी। किसानों के मुद्दों पर मोदी और नीतीश कुमार पर लालू का तंज, डबल इंजन सरकार के ट्रबलधारी बिहार में किसानों की दुर्दशा को बताया है। जी हां, बीमार लालू प्रसाद यादव एम्स में भले ही इलाज करा रहे हो, लेकिन बिहार में किसानों की स्थिति पर सुबह सवेरे ही लालू प्रसाद यादव ने डबल इंजन की सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि किसानों की समस्या तो आप सुनते नहीं, कम से कम उनके क्षेत्रों की बुआई के लिए समय पर बीज और खाद का उपलब्ध करा दीजिए। जी हाँ, लालू ने तंज कसते हुए कहा है कि वैसे तो आपको किसानों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपके अंदर उनकी समस्या दूर करने की ना समर्थ है, ना ही कोई इच्छा और ना ही कोई शक्ति। लालू ने किसानों के बहाने नीतीश सरकार के साथ साथ नरेंद्र मोदी सरकार पर भी हमला बोलते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि राजद राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि डबल इंजन सरकार के ट्रबलधारी रहनुमाओं में बिहार में कम से कम किसानों की तो दुर्दशा को जानिए, पहचानिए और समझिए। वैसे उनकी समस्याओं को दूर करने में ना आप में समर्थ है, ना समझ और ना इच्छा शक्ति। अगर आप किसानों को बीज और खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे, तो किसी बात का सरकार और डबल इंजन। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के अंदर एक तरफ तेजस्वी जहां नीतीश को शराबबंदी के मुद्दे पर गिरा रहे हैं, तो वहीं राबड़ी सदन के अंदर सरकार की विफलता को गिना रही है। तो लालू भी एम्स के अंदर से ही नीतीश सरकार के साथ साथ मोदी सरकार पर भी हमला बोलकर उनको चुनौती दे रहे हैं। RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि डबल इंजन सरकार के ट्रबलधारी रहनुमाओं बिहार में कम से कम किसानों की दुर्दशा को जानिए, पहचानिए और समझिए। वैसे उनकी समस्याओं को दूर करने में ना आप में समर्थ है, ना समझ और ना इच्छा शक्ति। अगर आप किसानों को बीज और खाद उपलब्ध नहीं करा रहे, तो किस बात की सरकार और किस बात का डबल इंजन। बता दें कि बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। आज विधानसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू हो चुकी है। प्रश्नोत्तर काल के बाद सदन में ध्यान आकर्षण सूचनाएं दी जाएगी। आज विधानसभा में BJP विधायक नीतीश मिश्रा समेत अन्य सदस्यों की ध्यान आकर्षण सूचना पर ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से सदन में जवाब होगा, जबकि दूसरी ध्यान आकर्षक सूचना विधायक अमरजीत कुशवाहा और सुदामा प्रसाद समेत अन्य सदस्यों की तरफ से दी गई है। जी हाँ, इस ध्यान आकर्षण सूचना पर पर्यटन एवं कला संस्कृति युवा विभाग की तरफ से सदन में जवाब आएगा। इसी तरह के तमाम छोटे बड़े खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए NBC 24 पर।